हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज मैं क्या रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आज मैं मस्त नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो चावल के आटे से बनेगा और स्टफ पूड़ी है, आलू की स्टफिंग होगी। तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता है, इसे जरूर आप भी बनाइए और इंजॉय करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, चावल के आटे से बेहतरीन नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये चावल का आटा। 2 कटोरी है ये, और इसमें मैंने लिया है 1.5 गिलास पानी। इसको मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी गैस पे। तो ये देखिए, पानी गर्म हो रहा है जब तक, तो हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चिली फ्लेक्स, 2 कसूरी मेथी, 2 स्वाद अनुसार नमक, 1/3 हल्दी पाउडर ताकि इसमें कलर। तो हमारा पानी बॉईल हो गया है, देख रहे हैं आप इसमें। ये देखिए, अब इसमें हम चावल का आटा धीरे धीरे करके डाल देंगे। एक ही बार नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। तो ये देखिए, हम इस तरह से डालते जाएंगे इसमें। और गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर ढक के लिए थोड़ा देर के लिए रख देंगे इसे 10 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा आटा थोड़ा पक जाए। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है, तो हम उसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं वो चावल के आटे की स्टफिंग पूड़ी, स्टफ पूड़ी। तो ये आलू का हम स्टफिंग करेंगे। तो ये मैंने बॉईल कर लिया है और इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, हम इसे कद्दूकस कर लिए हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे कोई, इसीलिए हम इसे कद्दूकस कर लिए हैं। तो ये देखिए, हम कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, गैस ऑन है और तेल भी हम इसमें 1 चम्मच डाल चुके हैं। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच राई, सरसों,
ये देखिए हमने सरसों और जीरा डाल दिया है, वो भुन भी गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, चटपटा बनाने के लिए हल्का सा गरम मसाला पाउडर, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है इसीलिए ध्यान से। अब इसे इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे आलू को। तो ये देखिए हमने आलू को निकाल लिया है भून करके। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ा देर। अब हम आटा भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा ऐसे हो गया है, ये देखिए। इसको हम इसमें निकाल लेंगे प्लेट में, और इसको हम भूनने की कोशिश। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने आटा को बहुत अच्छे से गूंद लिया है, और मैंने तेल भी गर्म होने के लिए लिया है के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से गोल बना लेती हूँ इसके, इस तरह से इसमें, और इस तरह से मैं बना लूँगी। ये देखिए, और इसमें मैं आलू स्टफ कर दूंगी, और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से मैं बना के रख लेती हूँ पूड़ी को। तो ये देखिए फ्रेंड, हम ये देखिए पूड़ी तल कर बना करके हम तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब इसे हम तल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मस्त करारा करारा पूड़ी बन करके रेडी है। ये इसी तरह से हम, तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मस्त नाश्ता तैयार है, चावल के आटे का पूड़ी या कचौड़ी या स्टफ पूड़ी जो भी कह लीजिए इसे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता हमारा तैयार है, देखिए। और आप इसका अगर आलू का स्टफिंग या कुछ कभी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल पूड़ी भी आप बना सकते हैं। देखिए मैं पूड़ी बनाई हूँ, इसका बहुत ही फुला फुला पूड़ी बना है, और आप किसी भी सब्जी के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए सर्विंग करते हैं।
वे देखिए फ्रेंड, हमारा मस्त टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता बन करके रेडी है। तो कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये धनिया की चटनी है और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है ये, इसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसी तरह से आप भी घर पर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।